Fit and healthy. Welcome back to my channel. So today I'm going to throw some knowledge about this emergency, which is part of Indian polities. Okay. Before coming to the topic, you can also connect with me on the social media platforms. Okay. So emergency, which is a part of part 8, deals with part 18. Article number is in case of national emergency deals with 352, state emergency 356, financial emergency 360. Okay. तो इमरजेंसी पार्ट जो डील्स करता है पार्ट 18 और आर्टिकल्स ये डील्स करता है प्रोवोक कौन करता है अनाउंस जैसा कौन करता है तो वो करता है प्रेसिडेंट करता है रिवोक भी कौन करता है प्रेसिडेंट करता है तो मैं पहले नेशनल इमरजेंसी को एंड करूंगा फिर आता है स्टेट इमरजेंसी पे फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी पे आऊंगा तो नेशनल इमरजेंसी मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो डिक्लेयर कब होता है जब वार के केस में फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान वार हो गया कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया कंट्री कोई बाहर के कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक कर दिया आर्म रेबेलियन हो गया तब केस में डिक्लेयर करता है तो दूसरा होता है कौन के किस फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट पड़ता है तो आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 फ्रीडम जो है सस्पेंड हो जाता है सिक्स फ्रीडम और दूसरा आर्टिकल 359 के अंदर सारा जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाता है एक्सेप्ट 20 और 21 21 राइट टू लाइफ और 20 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्यूज या डबल जबरदस्ती केस की कंडीशन में पार्लियामेंट्री अप्रूवल कब हो जाता है विद इन वन मंथ में हो जाता है जब से डेट ऑफ इशू हो जाता है इधर हाउस में जब पास हो जाता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ ओके नेशनल इमरजेंसी में अब इम्प्लीमेंट सो फार कब होता है अभी तक कितने बार लग चुका है तो वो 1962 में लग चुका है नेशनल इमरजेंसी चाइनीज वार के केस में 1970 वार में पाकिस्तान वार के साथ 1975 में इंदिरा गांधी के साथ केस के साथ तो पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ तक लग सकता है और स्टेट इमरजेंसी डील्स विद 356 प्रेसिडेंट प्रोवोक करता है रिवोक भी प्रेसिडेंट करता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया होगा जैसे स्टेट में बजट पास नहीं हुआ होगा एक केस हो जाता है ये ठीक है और दूसरा हो गया कि कोई स्टेट सेंटर के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा होगा तब लग सकता है इसमें कोई फंडामेंटल राइट इफेक्ट नहीं होता इसमें भी नहीं होता है इसमें इसमें 2 मंथ होता है जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है विद द डेट ऑफ इशू इसमें भी इधर हाउस में पास होना है विद सिंपल मेजोरिटी है ठीक है इसमें स्पेशल मेजोरिटी है 100 out of 60 अबव होना चाहिए तो 6 मंथ तक पीरियड हो सकता है इसमें अब ये जो स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लग चुका है मेनी टाइम्स ओके तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डील्स विद 360 और प्रोवोक प्रेसिडेंट करता है रिवोक प्रेसिडेंट करता है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी मेन कॉज है जब डिक्लेयर होता है तो या क्रेडिट इनस्टेबिलिटी होगा इसमें फंडामेंटल इफेक्ट पे कुछ नहीं होता है फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट कुछ नहीं होता है पीरियड जो है 2 मंथ होता है एक एक चीज़ है इस कितना बार लग चुका है फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कुछ भी नहीं लगा है नॉट सो फार ओके तो मैक्सिमम पीरियड भी कुछ नहीं होता जब तक कंटिन्यूस नो मैक्सिमम पीरियड ओके सो लास्ट में हम देखते हैं इमरजेंसी का क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है ओके क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है इसमें फेडरल नेचर नहीं रहेंगे जब इमरजेंसी लग जाएंगे ओके प्रेसिडेंट क्या होगा डिक्टेटर की तरह एक्ट हो करना स्टार्ट करेंगे तीसरा क्या होगा फंडामेंटल राइट जो है मीनिंगलेस हो जाएंगे ओके होप थैंक यू होप यू लाइक माई कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स सो कुछ भी आपको मीनिंगफुल कमेंट होगा जो भी डाउटफुल कमेंट होगा आप मेरे को कमेंट में पुट कर देना ओके स्टे हेल्दी टेक केयर